हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ट्यूटोरियल में स्पेशल कॉपी और पेस्ट। स्पेशल पेस्ट मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट पढ़ाया है, फॉन्ट के बारे में भी पढ़ा दिया है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको स्पेशल कॉपी और स्पेशल पेस्ट के बारे में भी पढ़ा दिया जाए, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ये हम इसका इस्तेमाल किसी भी MS ऑफिस के कहीं भी इंटरनेट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MS ऑफिस के किसी भी MS विंडो के किसी भी एप्लीकेशन या इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो वेबसाइट डेवलपिंग की करते वक्त, जब वेबसाइट डेवलपर्स अगर कोई कंडीशन लगा देते हैं तो भले ही ना कर पाए, लेकिन अदरवाइज कर सकते हैं। स्पेशल कॉपी का इस्तेमाल तब होता है जब हमें एज इट इज बिल्कुल साथ के साथ कोई टेक्स्ट ऑडियो या वीडियो या किसी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के साथ साथ हमें उसकी एज इट इज फॉर्मेटिंग भी कॉपी करनी हो। कॉपी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपी का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, उसके जैसी वही चीज डबल हो जाए, जो एक चीज है उसका कोई दूसरा बिल्कुल एज इट इज चीज बन जाए तो वो कॉपी होती है। तो ये होती है कॉपी, ठीक है, उसका डुप्लीकेट हो जाता है, वही चीज होगी लेकिन जो ये पहली चीज है वो तो हमेशा ओरिजिनल ही रहेगी ना। और बिल्कुल जब सेम वैसी ही दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कोई एक बंदा पैदा हुआ और दूसरा बंदा भी तभी पैदा हो जाए, लेकिन जो पहले पैदा हुआ है वो एक सेकंड भी पहले पैदा हुआ तो जो दूसरा एक सेकंड बाद पैदा हुआ और बिल्कुल सेम है, तो लेकिन कहेंगे तो ये इसकी कॉपी है। दूसरा वाला जो पैदा हुआ है पहले वाले को उसकी कॉपी नहीं कहेंगे दूसरे वाले को। या मान लीजिए कोई भी चीज़ है और अगर डबल बन जाए, तो डबल जैसे बनी है तो कोई भी दो हाथ हैं तो हम लोग ज़्यादातर राइट हैंड को मानते हैं, है ना, हालांकि मेरे पास दो हाथ थे, ये इसकी कॉपी नहीं है। ये मत कहिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि लेफ्ट हैंड इसकी कॉपी है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, एक बात बता रही हूँ कि जब हम कोई एक चीज़ होती है हमारे पास और उसके जैसी हमें दूसरी चीज़ सेम टू सेम वैसी ही हम उसको बिल्कुल उसको मतलब नकल कर लें, जब उस चीज़ की सेम टू सेम नकल कर लें तो वो होती है कॉपी। अब स्पेशल कॉपी क्या होती है? स्पेशल कॉपी वो होती है जिसमें हम किसी ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट के साथ साथ उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको भी एज इट इज़ बिल्कुल उसकी नकल करें, उसका एक तैयार करें फॉर्मेट, वो होती है स्पेशल कॉपी। स्पेशल पेस्ट क्या होता है? तो स्पेशल पेस्ट होता है जब मान लीजिए वी लुकअप फॉर्मूला है, आप वी लुकअप को कभी कॉपी कीजिएगा, वी लुकअप को सादा जैसे कॉपी करते हैं उसको कॉपी कीजिएगा और पेस्ट करके देखिएगा। स्पेशल पेस्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, आप पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से सिंपल तो वो पेस्ट नहीं होगा, आपको उसके लिए स्पेशल पेस्ट करना पड़ेगा। और स्पेशल पेस्ट करने के लिए स्पेशल पेस्ट करते ही उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा वैल्यू चेक, वैल्यू चेक को स्पेस बार से चेक कर देंगे। अब बात आती है कि स्पेशल कॉपी और स्पेशल पेस्ट के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। नंबर वन ये है कि टेक्स्ट जो भी आप चाहे CD ऑडियो वीडियो जिसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आएं, या उसके अंदर का टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आएं। और नंबर टू कि उसको सिलेक्ट करें, कॉलम है तो सिलेक्ट करें, वर्ड्स है तो, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, कॉलम रोज और या फिर कोई PPT है तो भी, या वर्ड या नोटपैड फाइल है तो लाइंस पैराग्राफ वर्ड्स कैरेक्टर जो भी आपको चाहिए कॉपी उसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन यानी नंबर वन कि आपका जो फोकस है वो फोकस ऑन ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट के पर होना चाहिए, जो भी कॉपी करना है उसके फोकस ऑन टेक्स्ट होना चाहिए, चाहे वो ऑडियो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, या फिर कोई मतलब आपका डॉक हो, या फिर डॉक में बहुत कुछ आ जाता है फाइल्स, डॉक्यूमेंट्री फाइल्स में, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, वर्ड्स हो या वर्ड फाइल्स हो, मतलब या फिर आपकी टेक्स्ट फाइल्स हो, बहुत कुछ आ जाता है। तो जहाँ पे भी जो भी आपको कॉपी करना है उसके ऊपर आपका आपका जो फोकस है वो होना चाहिए। नंबर टू आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और नंबर तीन कि आपको कमांड पता होनी चाहिए। कमांड है स्पेशल कॉपी की कंट्रोल शिफ्ट सी, क्या है कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट हैंड से होल्ड करें और सी, तीनों को एक साथ प्रेस करें, स्पेशल कॉपी हो जाएगा।
स्पेशल कॉपी हम उसी केस में करते हैं जब हमें किसी भी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के साथ उसकी फॉर्मेटिंग को एज इट इज नकल करना होता है। स्पेशल पेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको किसी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जब हम उनको एज इट इज कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और पेस्ट करेंगे सिंपली कंट्रोल वी से, तो वो नहीं होंगे, उनको स्पेशल पेस्ट करना पड़ता है। जिसके लिए हम कोई मान लो सिंपल पेस्ट करने से कोई चीज़ पेस्ट नहीं हो रही है तो समझ लो स्पेशल पेस्ट करना पड़ेगा। स्पेशल पेस्ट की कमांड है ऑल्ट कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से वी तीनों को एक साथ प्रेस करें, और अगर वो फिर भी पेस्ट नहीं हुआ है तो डाउन एरो से वैल्यू चेक पे आएं, वैल्यू चेक पे स्पेस बार कर दें या एंटर कर दें, तो स्पेस बार करके एंटर करें तो फिर वो आपका स्पेशल पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई चीज़ सादा कॉपी करने से कंट्रोल सी करने से और कंट्रोल वी करके पेस्ट ना हो तो समझ जाए स्पेशल कॉपी नहीं बल्कि स्पेशल पेस्ट की ज़रूरत है। और जब किसी चीज़ के साथ टेक्स्ट के साथ साथ चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो उसकी फॉर्मेटिंग और एज इट इज़ उसको बिल्कुल फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी करने की ज़रूरत है, समझेंगे कि स्पेशल कॉपी होगा वो कंट्रोल शिफ्ट सी से होगा। दोनों कंडीशन मैंने बता दी हैं आपको, और सब चीज़ के बाद कंट्रोल एस करना ना भूलें वरना आपका स्पेशल कॉपी या पेस्ट जो आपने किया है वो आपको सेव नहीं होगा, कंट्रोल एस करने से सेव हो जाएगा। नई फाइल है तो पूरा तरीका कल बताया है वो सेव हो जाएगा। और अगर आप वैसे ऑल्ट F4 भी करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस ऑफ दिस फाइल, तो वहाँ पे अगर यस पे एंटर कर देंगे वो तब भी सेव हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि पहले ही कंट्रोल एस कर दें। तो स्पेशल कॉपी और स्पेशल पेस्ट में इतना ही था, कल फॉन्ट साइज पढ़ाऊंगी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, थैंक्स फॉर लिसनिंग।